बस गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और बस मैं भी अच्छी हूँ। तो फिर से और एक कुंजल क्रिया की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। मेरे चैनल में बहुत सारे कुंजल क्रिया की वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है और फिर भी आप लोग नया वीडियो देखना चाहते हैं, तो इसीलिए कुंजल क्रिया की नई वीडियो में लेके आती हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ। ये ऐसे ही प्यार देते रहिए। कुंजल क्रिया बेसिकली हम लोग की एक डिटॉक्सिफाई क्रिया है, जो क्रिया करके हम लोग रख सकते हैं अपना बॉडी को क्लीन एंड हेल्दी। और कुंजल क्रिया को हम लोग बामन धाउत भी बोलते हैं। सो बामन मीन्स वॉमिटिंग और धाउत मीन्स क्लींजिंग। और इससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है एंड में जो इंटरनल सिस्टम है वो सब क्लीन हो जाते हैं। और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जो लोग करके आ रहे वो लोग को शायद पता है एंड जो लोग नहीं करते वो लोग शायद देखे ये बोलेगा ये सिर्फ वॉमिटिंग है, इसमें क्या फायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग को पता है जो लोग ये करते हैं एंड जो लोग ये बस देख के मजा लेते वो लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये कितना बेनिफिशियल है। सो गाइस, विंटर स्टार्ट हो गया है और बामन धाउत आपको करना ही चाहिए। आपको अगर कॉफ, म्यूकस ये सब की प्रॉब्लम हो रहा है तो विंटर में ये सब प्रॉब्लम कॉमन है, तो बामन धाउत करके आप रख सकते हैं अपने बॉडी को हेल्दी। जो लोग मेरे चैनल देखते वो लोगों को तो पता ही है एंड आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो के एंड तक देखना है। हो सकता है ये सब प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं एंड ये वीडियो आपके लिए बनाए। सो वीडियो को स्किप नहीं करके बस सबको एंड तक देखना है। तो आपको 2 लीटर गुनगुना पानी लेना है, उसमें चाहे तो आप नमक मिला सकते हैं 2 चम्मच और आप विदाउट सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका क्लींजिंग प्रोसेस है वो राइट होना चाहिए। तो हम लोग कगासन में बैठ के 2 लीटर पानी पीते, डेक्स और मिडिल फिंगर की मदद से बस उल्टी करते, जो पानी हम लोग पीते वो पानी हम लोग बस उल्टी करके निकल देते। गैस, एसिडिटी, कंस्टिपेशन, म्यूकस, कॉफ ये सब प्रॉब्लम फेस कर रहे तो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए ये बामन धाउत। और ऐसा नहीं है कि सब लोग ये बामन धाउत कर सकते हैं, बहुत लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप अगर प्रेग्नेंट हो, आपको अगर पीरियड्स हुआ है, आपको अगर हर्निया की प्रॉब्लम है, आपको अगर रिसेंट कोई सर्जरी हुआ है और आपका अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, या हाई प्रेशर लोग कर सकते हैं बट 15 डेज में एक बार, नहीं तो मंथली एक बार कीजिए। बाकी सब लोग आराम से ये कर सकते हैं। खाने के बाद जो उल्टी करते हैं, आपका अगर खाना नहीं पच रहा है 3 घंटे बाद हम लोग करते वगैरह क्रिया, और ये अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक में करते हैं। और आप अगर कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं भी कर रहे तब भी आपको करना है ये क्रिया, क्योंकि हम लोग ये क्रिया करके अपना बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो विंटर के लिए ये क्रिया बेस्ट है। एक इम्पोर्टेंट बात, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए ये नंबर 1 क्रिया है, क्योंकि ये करने से आपका फैट कुछ भी नहीं रहेगा, ये करने से फैट अपने आप गायब हो जाएगा। सो ये क्रिया करके आप एक बार जरूर देखिए। तो आपको अगर कुंजल क्रिया करके अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो कमेंट में आके जरूर बताना। और बिगनर्स के लिए भी वीडियो बना हुआ है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी पी के भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर पानी एक साथ पीना पॉसिबल नहीं हो पाते। 1 लीटर में लगभग आपका 4 ग्लास आते हैं और 2 लीटर में 8 ग्लास। तो आप 4 ग्लास पीने के बाद बस वो पानी निकल दीजिए, फिर आपको पीना है 4 ग्लास। ऐसा करके आप आराम से कर सकते हैं 2 लीटर पानी में कुंजल क्रिया। अभी जान लेते हैं कि कुंजल क्रिया करने के बाद आपको क्या करना है। कुंजल करने के बाद हम लोग को अच्छे से टीथ को ब्रश कर लेना है, साथ में हाथ को अच्छे से वॉश कर ले। देन आपको लेटना है शवासन में 20 to 30 मिनट्स और 20 to 30 मिनट्स के बाद ही आपको करना है ब्रेकफास्ट। ऐसा ना करे कि कुंजल क्रिया करने के बाद ही तुरंत आप कर रहे ब्रेकफास्ट, वो सही नहीं है। कुंजल क्रिया करने के बाद बॉडी को रेस्ट दे, शवासन में लेट के 20 या 30 मिनट्स देन आपको ब्रेकफास्ट करना है। ध्यान पर रखिए, आप अगर ब्रेकफास्ट में खिचड़ी ले रहे तो उसका साथ थोड़ा सा घी मिला ले। और आपका अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम है आप तो घी अवॉइड भी कर सकते हैं। जिस दिन आप कुंजल क्रिया कर रहे ध्यान पे रखिए, उस दिन आपको मसाला कुछ भी नहीं लेना है, मसाला चीज या बाहर का चीज। उस दिन आप अगर कुछ मसाला चीज खाते तो आपका ऑब्वियसली प्रॉब्लम करेगा, पेट हल्का हो गया, ब्लोटिंग फील भी नहीं हो रहा है, गैस भी नहीं है, एसिडिटी नहीं है, बस खा लेते, वैसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन आप लोग कर रहे कुंजल क्रिया उस दिन ध्यान पे रखिए जिसके मसाला ये बाहर का चीज कुछ भी नहीं खाना है। सो यही था बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की कुंजल क्रिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप अगर ये वीडियो सुबह भी वॉच कर रहे तो आप भी कर सकते हैं मेरे साथ कुंजल क्रिया। आपको बस कगासन में सिंपली बैठ के ऐसे पानी पीना है। करने से पहले नाखून को कट कर ले और हाथ को अच्छे से वॉश कर ले।
2 लीटर पानी एक साथ पीना इतना आसान नहीं है, जो देखने में बहुत ही आसान लगता है, बट जो लोग कुंचल के असली में करते हैं वो लोग को पता है कि 2 लीटर पानी एक साथ पीना इतना आसान नहीं है। तो यही था आज की कुंजल क्रिया की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं और ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को कर देना आपको सब्सक्राइब, और साथ में जो घंटी देखते हैं उसको तो बजा के जाना है कि मैं जब भी ऐसे वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले आके मेरी वीडियो वॉच कर सके। और भी कुंजल क्रिया की वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको कुंजल क्रिया करके कैसा रिजल्ट मिला है तो वो भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।